नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, ब्रेकिंग न्यूज। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद भर्ती को संविदा पर कार्यरत एएनएम बहनें जो हैं वो देंगी चुनौती। इस भर्ती को फंसाने और परीक्षा तारीख को बढ़ाने के लिए फिर से केस फाइल लिस्टेड की तैयारी हो रही है। संविदा पर कार्यरत एएनएम जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात कर सकती हैं। यह सब दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं जो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जो एएनएम बहनें संविदा पर कार्यरत है, जिन्होंने पीटी की परीक्षा नहीं दिया है, वह उन्हीं लोग जो है इस भर्ती को फंसाने की बात कर रही हैं। आप लोग को बता रहा हूँ कि पीटी परीक्षा हेतु सभी समस्त एएनएम बहनें से अपील किया गया था कि पीटी की परीक्षा जरूर दें। जो संविदा पर कार्यरत एएनएम बहनें हैं उन लोगों से कहा भी गया था कि 9212 पद यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एएनएम के 9212 पद आएंगे, वो भी पीटी के माध्यम से आएंगे। लेकिन कुछ बता रहा हूँ कि कुछ गुमराह कर रहे व्यक्तियों के बहकावे में आकर इन्हों जो एएनएम बहनें हैं वो परीक्षा नहीं दी, पीटी की परीक्षा नहीं दी। अब वही लोग जो है पीटी नहीं दे पाए हैं, वह लोग परीक्षा से वंचित हो गई हैं, मुख्य परीक्षा से वंचित हो गई हैं। तो वह लोग अब कह रही हैं कि पीटी से मुक्ति के लिए वह संगठन का साथ पकड़ेंगी। संगठन, अब बता रहा हूँ कि दोस्तों एनएचएम कार्यरत संविदा एएनएम का एक संगठन चलता है। दोस्तों बता रहा हूँ कि उसमें जितने संविदा कर्मचारी हैं वो लोग जुड़े हैं, वो संगठन में मंत्री महामंत्री अध्यक्ष जी भी लोग हैं, वो संगठन का साथ लेकर जो है केस फाइल को लिस्टेड कराएंगी। तीन केस ऑलरेडी पड़ चुके थे, बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें तीन केस लगभग पड़ चुके थे, जिसमें से 17 से 18 और भी जो है संबंधित केस हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह हुए थे, परंतु कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया था। आप लोगों ने देखा ही था जो परीक्षा 6 फरवरी को पड़ी हुई थी, वह कोर्ट के कारण जो है यह परीक्षा जो है आगे बढ़ी हुई थी। कोरोना का भी चल रहा था दोस्तों, उसमें कई भी बातें आई थी, लेकिन बात मैं कर रहा हूँ जो आपको कि वह कोर्ट के कारण ही परीक्षा को पोस्टपोन किया गया था। जो यह केस के जो है किया गया था, तीन केस लगभग 17 से 18 ऐसे जो है संबंधित केस हैं जो हाई कोर्ट में लखनऊ और इलाहाबाद में किए गए, लेकिन परंतु कोई जो है रिजल्ट नहीं निकल पाया कि हाँ यह किनके पक्ष में गया। जो वही पक्ष में गया कि जो परीक्षा अभ्यर्थी पीटी परीक्षा दिए हैं वही इसमें मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिनका धनात्मक स्कोर कार्ड जारी हुआ है। जब एनएचएम कर्मचारी संविदा संगठन जो है तीसरी बार केस किया तो परीक्षा पोस्टपोन हो गया था। दोस्तों आप लोगों ने देखा जो पोस्टपोन हुआ था, और उस समय केस लड़ रहे वकील साहब ने यह भी कहा था कि एक बार तो हमने पोस्टपोन कर दिया, अगर दोबारा जो है फिर से परीक्षा की तारीख घोषित तो होगी तब हम एप्लीकेशन लगाकर केस में तारीख लेने की कोशिश करेंगे। जो इन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाया था वो लोग जो है क्या, वो वकील साहब यही कह रहे हैं कि अगर फिर से परीक्षा की तारीख आती। अब दोस्तों देख सकते हैं 8 मई को परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है, अब इस परीक्षा की तारीख में फिर से पेच जो है लगाया जा रहा है। जो वकील साहब हैं, जो संविदा पर कार्यरत एएनएम बहने हैं, वो लोग कह रही हैं कि हम जो है कोर्ट का सहारा फिर से लेंगे और एप्लीकेशन लगवा कर जो है वकील साहब के माध्यम से एप्लीकेशन लगवा कर हम केस फाइल को फिर से तारीख लेंगे। और सभी जो एएनएम संविदा कार्यरत एएनएम हैं जो पेट से पेट परीक्षा नहीं दी हैं, तो वह उसमें यही कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि हम ओवर एज हो जा रहे हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि हम ओवर एज हो जा रहे हैं, हमको एक बार मौका दिया जाए, बस उसके बाद कोई हमको मौका नहीं चाहिए। बहुत से एएनएम बहनें ऐसी हैं जो 40 साल से ऊपर भी हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने पेट का परीक्षा नहीं दिया है। यह मौका जो है दोस्तों बार बार नहीं आता है, तो वह लोग सरकार से गुहार भी लगाएंगी। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ एक संगठन और है जो एनएचएम कार्यरत संविदा वाले जो मतलब इसमें कर्मचारी हैं एएनएम और फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन, इन सब का भी एक और संगठन है दोस्तों। दूसरा संगठन जो है वह मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी गुहार करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरा संगठन है उस संगठन के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजेश पाठक जी से भी मुलाकात करने का समय लिया जा रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बृजेश पाठक सर जी हैं उनसे मुलाकात का भी समय लिया जा रहा है। जल्द ही मुलाकात हो सकती है दोस्तों, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री बृजेश पाठक जी से जल्द ही मुलाकात भी हो सकती है, यह भी बताया जा रहा है।
और ये इन सभी मुद्दों पर बात होगी कि हाँ कि हम लोगों ने पेट की परीक्षा नहीं दिए हैं। इसमें दोस्तों पेट की परीक्षा का मतलब ये कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जो गुमराह कर दिए थे, संगठन में ही होते हैं, कहते हैं हम आपको पेट से मुक्ति दिलाएंगे, पेट कैसे होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है, आप लोग कोरोना में कार्यरत थी, सेवा कर रही थी, उसमें आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, तमाम चीज़ें बताकर उनको गुमराह कर दिए। अब आज जब मुख्य परीक्षा की तारीख आई है तो उसको फिर से पोस्टपोन कराने की कोशिश, एप्लीकेशन करने की मतलब कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोग इन सब बातों पर ध्यान न दीजिएगा। जब तीन बार केस किया गया उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो अब भी रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों से कह रहा हूँ कि परीक्षा होगी आपकी 8 मई को, जो परीक्षा है वह परीक्षा होगी। आप लोग एकदम जो है इन सब चीज़ों में मत आइएगा। अक्सर जो है हर भर्तियों में कोर्ट कचहरी होता रहता है, कोर्ट केस होते रहते हैं, तो इन सब बात चीज़ पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, 8 मई को ही परीक्षा होगी। मैं आप लोग को साफ साफ बता दे रहा हूँ, एक पाली में लखनऊ में सेंटर रहेगा, एक ही पाली में आप लोगों की परीक्षा 8 मई को होगी। आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से जोर शोर में तैयारी करिए, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन सबको पाने के लिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी वीडियो, लगभग 16 प्रैक्टिस सेट मैं अभी तक एनएम का जो है UP SSC NM का जो प्रैक्टिस सेट है, 16 प्रैक्टिस सेट मैं 50-50 क्वेश्चन का अभी तक अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें प्रश्नोत्तर हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है बहुत अच्छे से करिएगा, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।